हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर प्रैंक वीडियो। तो गाइस, आज का जो प्रैंक है बहुत ही खतरनाक प्रैंक होने वाला है और आज हम दोबारा से करने वाले हैं डबल मीनिंग प्रैंक ऑन वाइफ। तो अभी मैं रुई को वीडियो कॉल करने वाला हूँ, उसको मैं बोलूँगा कि यार मैं ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और कपड़ों में भी फिट नहीं हो पा रहा है। तो आप ज़्यादा नोट ही मत बनो गाइज, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ गाइज। हाइट मेरी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है और कपड़े भी अब छोटे आने लग गए हैं। फिर देखते हैं कि रुई का कैसा रिएक्शन होने वाला है जब उसको मैं ये सब बोलूँगा। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना इस वाले डबल मीनिंग प्रैंक में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से उसको वीडियो कॉल करते हैं और प्रैंक शुरू करते हैं गाइज। हेलो, यार मैं ना बहुत तगड़ी चीज हो गई है तेरे को कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। तू बता कैसे भी हो रहा है, क्या हो रहा है बता। देख सुन, जैसे मतलब मैं सुबह उठ रहा हूँ और जी जब सो रहा हूँ तो कुछ है ना, मेरे को बड़ा बड़ा सा फील सा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सारूं के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जैसे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं ना, जैसे तुम कुछ खा लेते हो फिर कुछ उसका असर होता है, तो ऐसी मतलब मेरे शरीर पे भी कुछ बड़ा बड़ा सा असर फील हो रहा है मेरे को। क्या बड़ा बड़ा सा? हाथ बड़ा हो गया, पैर बड़ा हो गया, दिमाग बड़ा हो गया, क्या हो गया? अरे सुन, अभी एक दो दिन पहले है ना मैं कहीं पे गया था, तो एक दुकान पे, तो वहां पे है ना वो बोल रहे थे कि भैया बहुत ही तकड़ी एक दवाई आई है, तो तुम उसको खा लोगे ना तो 4 हफ्ते में 4 इंच बड़ा हो जाएगा। तो तू ये सब करने जाता है बाहर? अरे मतलब बहुत तकड़ी दवाई है यार वो, तू समझ ना। क्या तकड़ी दवाई है? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? वो ट्रेन पे चिपका रहता है, इधर इधर लिखा रहता है, बस पे रहता है, दीवार में जमा रहता है, तो कोई भी खा लेता है क्या? तू खा लेगा क्या? अरे नहीं यार, ऐसी थोड़ी, मैं तो बहुत जाना पहचाना डॉक्टर है वो, तो समझ रही है, तो उसके पास ही गया था मैं। तो डॉक्टर रास्ते में बैठता है क्या कि जहाँ पे भीड़ लगा था? हाँ रास्ते में ही तो बैठ रहा है वो, बहुत तगड़ी दुकान है उसकी, वहां पे गया था मैं लेने। अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा। सबको देख के तू बाबा जी का बूटी खा लेगा, मतलब कोई भी कुछ भी देगा वहां पे जहाँ पे भीड़ लगा रहेगा, तू खाता रहेगा, खाने का चीज है क्या? अरे तो उससे तो फिर वो होगा ना कुछ बड़ा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो इससे फायदा क्या हुई तेरे? हाँ तो फायदा ही तो हुआ, 4 इंच बड़ा हो गया ना। छी यार, अब तू कैसे घूमेगा, कैसे लोगों के साथ उठता फिरता रहेगा तू? शर्म आना चाहिए तेरे को। अरे अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ये डॉक्टर को फोन मिलाऊंगा एक बार, पूछूं उससे क्या कर सकते हैं। कौन सा डॉक्टर? वो पहली वाला जिससे लाया वो? नहीं नहीं दूसरे वाला है, एक और। रुक जा, पूछता हूँ मैं जरा एक बार। आप पूछे, फोन मिलाता हूँ। टीकर में डाल। तू ये सब सुनेगी क्या? तो क्यों ना सुनूं? रुक जा, बैल जा रही है। हेलो नमस्ते डॉक्टर जी, अरे ना आपकी एक बहुत हेल्प चाहिए थी, तगड़ी वाली हेल्प चाहिए थी, मतलब कुछ हो गया मेरे साथ। अरे मतलब मैं एक मतलब यहीं पे गया था तो उनसे गोली लेकर आया था, वो लंबा करने वाली। अच्छा तो वो मैंने खाई और थोड़ी सी बच भी गई, तो वो मतलब मैं परेशान सा हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसका कुछ देसी वेसी इलाज बता दो मतलब, ताकि सब कुछ ठीक सा हो जाए। देसी का क्या मतलब? ताकि सब खुश रहे ना, पत्नी भी खुश रहे, बाहर वाली भी खुश रहे, सब कुछ खुश रहे। क्या मतलब बाहर वाली? कौन है? मतलब 2-3 गोली बच रही है, बाकी तो मैंने सब खा लिए। साइड इफेक्ट तो कुछ हुआ नहीं वैसे अभी तक। साइड इफेक्ट ही तो चल रहा है। नहीं मजा तो पूरा आ रहा है। प्यारी समझ गई है ना, मजे पूरे आ रहे हैं एकदम, बिल्कुल टनाटन। हाँ बिल्कुल मस्त फील हो रहा है एकदम, बिल्कुल जैसे पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ मैं। स्पीकर में डाल।
अब ये बताओ कि खानी चाहिए और गोली या नहीं खानी चाहिए, या फिर क्या किया जाए? नहीं, वैसे तो सब कुछ तो ठीक है, मतलब सही है, जैसे मैं चाहता था वैसे ही है बिल्कुल सब कुछ। अच्छा, मतलब कुछ खाओ तो ज्यादा परेशानी तो नहीं ना फिर? चलो मैं मिलता हूँ आपसे ना, एक बार टाइम निकाल के आपके पास आता हूँ, जब आप कुछ बताना मेरे को। चलो ठीक है ठीक है। हाँ मतलब कुछ नाम वाम तो लिखा नहीं इस पे, दिखाऊंगा मैं आपको दवाई ये वाली। ठीक है जी, नमस्ते डॉक्टर। क्या हुआ? तू सुन मेरी बात, ठीक है ना? अगर तू ये ठीक नहीं कराएगा ना तो मैं वापस ले आऊंगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, मैं जा रही हूँ फिर। क्यों, तेरे को तो खुश होना चाहिए ना यार, तू इतना गुस्सा हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। जैसे अरे सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है ना, ये तो बता। तू तो मेरे साथ रहती है, तेरे को तो खुश होना चाहिए भाई। अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगी कि ऐसे कर दिया तूने? मतलब मुझे मुंह दिखाई हो ना। पर तूने तूने क्या बोला भाई, बाहर वाले की चक्कर के उसमें किया है ना तूने? अरे नहीं, पागल है कि तू? देख ये गोली थी, अब तो बस एक दो ही बच रही है, इसको मैं लूंगा नहीं, फेंक दूंगा यार। चल मैं आ जाऊंगा, तू मत आ, अब सही है? मैं नहीं मिलूंगी, मैं ब्लॉक कर दूंगी, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे, पता नहीं। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है, तू बता। देख मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, देख रुक जा, रुको। देख जैसे मैंने ये पहन रखी है ना टी शर्ट, ये बहुत छोटी आ रही है। अब क्या हुआ, देख जो मैंने दवाई खाई थी उससे मेरी हाइट तो बड़ी हो गई, पर ये कपड़े छोटे हो गए अब सारे। ये बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब। तो हाइट की बात कर रहा था? हाँ हाइट की तो गोली लेने गया था मैं, उसने बोला था कि 4 हफ्ते का कोर्स है, 4 इंच तुम्हारी हाइट बड़ी हो जाएगी। चल मैंने खा भी ली, हाइट थोड़ी बहुत बड़ी हुई है, तो मतलब अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। फिर मैंने आज जैसे ये नई टी शर्ट पहनी ये वाली मैंने, तो ये बहुत टाइट टाइट आ रही है, बिछी बिछी। ये देख शोल्डर भी देख कहाँ जा रहे हैं, देख ऊपर। तो पहले बता था ना कि हाइट की बात करता है। तो हाइट की तो मैं बात कर रहा हूँ कि हाइट मेरी 4 इंच लंबी हो गई है। यार तू छोड़ यार छोड़, और ये सब कौन खाता है, हाइट का भी हो या कुछ मतलब कुछ और भी हो, ये सब दवाई कौन खाता है? तो दवाई तो अच्छी है, देख कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुए, हाइट बढ़ी तो है, ये तो इसमें तो मेरा फायदा हुआ है, तेरा भी तो फायदा हुआ है। अरे मतलब मैं तेरे से थोड़ा सा लंबा हो गया हूँ, तो साथ में अब बिल्कुल सही लगेंगे ना चलते हुए। देख फालतू बातें मत कर, ठीक है ना? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। रहा नहीं जाता। तू क्या सोचती रहती है, मेरे को तेरे दिमाग का समझ नहीं आता। मैं कुछ भी बोलता हूँ तू पता नहीं कौन से दुनिया में चली जाती है फिर, है? तो मैं, तू तो इतनी समझदार है, तू तो समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब, मेरा बड़ा हो गया? मैंने तो तब पूछा कि हाथ बड़ा हो गया, पर पैर बड़ा हो गया। हाँ मतलब हाथ भी बड़ा हो गया, पैर भी बड़ा हो गया, मतलब सब कुछ बड़ा हो जाता है जब हाइट बड़ी होती है। तो फिर इतना टेंशन में मैंने चिल्ला दिया, सबने सुन लिया कि बड़ा हो गया है। तू क्या सोच रही है, क्या बड़ा हो गया? मैं कुछ और सोच रही थी। क्या तेरा दिमाग भाई भाई हो गया। तेरे को तो कुछ बता दो तो तू पता नहीं उल्टा ही सीधा सोचती है यार हमेशा। तो पहले बताया करना कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, इंसान क्या सोचेगा, पहले तो वही वाली थिंकिंग आएगा ना। चल ठीक है यार,
मैं जा रहा हूँ जरा एक बार काम वाम है, तू अपना काम कर ले, मतलब जाना है कहीं। हाँ मतलब जाना है किसी से, मतलब पास जाना है किसी की, डॉक्टर के पास जाना है। अब भी उल्टा पुल्टा सोच रही है? तू ये सब छोड़ दे, ठीक है ना, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है चलो, अब मैं जितना बात करूंगा उतना तू फिर पागलों की तरह बोलती रहेगी। चल ठीक है भाई।